बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री जाहिदा खान के घाटमीका गांव पहुंचने पर जोरदार विरोध किया गया। लोगों ने काले झंडे दिखाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री जाहिदा खान पहुंची हुई थी और इसी दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ गया। विरोध के बाद दूसरी जगह टेंट लगवाकर बैठक भी की गई। लोगों ने जाहिदा खान के काफिले को काले झंडे भी दिखाए हैं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को रोका। पुलिस की ओर से समझाइश की गई और इस दौरान पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई। तो मंत्री जाहिदा खान को विरोध का सामना करना पड़ा है। घाटमीका गांव वो पहुंची थी और इसी दौरान ग्रामीण वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच गए। काले झंडे दिखाकर वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री जाहिदा खान पहुंची हुई थी। वहां पर जो टेंट उनकी स्वागत के लिए लगाए गए थे, उन्हें भी ग्रामीणों ने उखाड़ फेंका, काले झंडे दिखाए गए और जमकर उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है और इसके साथ साथ कई बातों को लेकर जो ग्रामीण है वो मंत्री जाहिदा खान से खफा चल रहे हैं और यही नाराज आज सड़कों पर दिखाई थी जब जाहिदा खान भरतपुर पहुंची। लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। घाटमीका गांव से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतरे, काले झंडे दिखाए और यहां तक कि मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। बाद मंत्री जाहिदा खान और वहीं पर टेंट लगवाकर एक बैठक भी आयोजित की गई। तो जब मंत्री दिखाए गए, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस कदर लोगों में गुस्सा है ये भी आप तस्वीरें देखकर पहुंचकर मामला शांत करना पड़ा। के बाद जो ग्रामीण वहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए थे उन्हें खदेड़ दिया। अभी भी इलाके में तनाव की स्थिति और ऐसे में पुलिस को वहां पर तैनात किया गया। सहयोगी दीपक पूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, पुरजोर तरीके से मंत्री का विरोध किया गया है, किस बात को लेकर नाराजगी थी और अभी वहां पर माहौल क्या है, अपडेट भी बताइएगा जरा। आवाज पहुंच रही है दीपक अब तक? विरोध है वो देखने को मिला है। जब राज्य मंत्री जाहिदा खान इलाके में पहुंची तो वहां स्थानीय लोगों द्वारा काले झंडे दिखाकर के विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर के नारेबाजी की गई। ये घाटमीका में बताया जा रहा है कि कोई चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए राज्य मंत्री जाहिदा खान पहुंची थी, तो पहले वहां पर जो टेंट लगा था उस दौरान भी लोगों ने विरोध किया और वहां से टेंट को उखड़वाकर हटवा दिया। उसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां से लोगों को हटाया और दूसरी जगह टेंट लगा करके सभा होने की व्यवस्थाएं की गई। जब राज्य मंत्री जाहिदा खान घाटमीका वहां पहुंची तो जो लोग थे उन्होंने काले झंडे दिखा करके विरोध प्रदर्शन किया और जमकर के नारेबाजी की। इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है कि राज्य मंत्री जाहिदा खान का अपने ही इलाके में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और ज्यादातर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके साथ साथ जो अन्य लोग हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि राज्य मंत्री जाहिदा खान अपने काफिले के साथ वहां से गुजर रही थी तो काफिले को लोगों ने रोक लिया, नहीं निकलने दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद काफिले को बिल्कुल दीपक तस्वीरों में ये दिख भी रहा है किस तरह से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को वहां से खदेड़ा। हालांकि कई बार मंत्री को इस तरीके के विरोध का सामना भी करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से यह बड़ी खबर है, कोट खावदा तहसीलदार का रीडर ट्रैप कर लिया गया। एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते अधिकारी को ट्रैप किया है। जमीन विवाद में रिपोर्ट की कॉपी के लिए रिश्वत मांगी गई थी। जयपुर में बिलवा का रहने वाला ये सांसद लालचंद शर्मा बताया जा रहा है, जिसे एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी के ऑफिस ठिकाने पर भी अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो अब एसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घुसखोर की, जिसे एसीबी ने ट्रैप किया है। तहसीलदार का रेडर बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ एसीबी ने एक्शन लिया है। कुल 5000 रुपए की रिश्वत लेते घुसखोर को ट्रैप किया गया है। जमीन विवाद में रिपोर्ट की कॉपी के लिए रिश्वत मांगी गई थी और इसके बाद एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। और चलिए